सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज मैं तुहाडे नाल एक रैसपी शेयर करन लगी हाँ। बहुत सिंपल तरीके नाल बनाया गया घी है, दुध वाला घी है। मालवा एरिए दी इह काफ़ी फेमस जिहड़ी एक रैसपी है। इस दे लई असीं सब तो पहला एक पतीले विच सरों दा तेल जां देसी घिओ पा लवांगे। फिर उस दे विच असीं मसाले ऐड करांगे, जिवें अजवाइन, हिंग ते कुछ मिक्स किए हुए मसाले सी मेरे कोल, मैं वो ऐड किए हैं। उस तो बाद असीं दे विच लसन ते प्याज दा तड़का तैयार करांगे। इस दे विच असीं अदरक पा सकते हैं। इस दे विच असीं जो मसाला तैयार करांगे तो इस गल का ध्यान रखना कि इस दे विच असीं टमाटर ऐड नहीं करांगे, क्योंकि जिहड़ा दुध वाला घी बनाउंदे आ तो उस दे विच टमाटर नहीं पाया जाता। तो इस तरह असीं यह मसाला जिहड़ा तैयार करांगे। ब्राउन होने तक वेट करांगे। इत्थे मैं घी आ जिहड़ा सी वह छिल के रख लिया सीगा। तो इस तों बाद दे विच जिवें ही मसाला थोड़ा जिहा ब्राउन हुंदा तां असीं उहदे विच टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करांगे। इत्थे मेरे कोल इह सेंधा नमक ते टाटा नमक मिक्स करके रखी हुई है। नमक तुसीं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली पा सकते हो, पर इस विच थोड़ा जिहा नमक ज़्यादा पैंदा है क्योंकि असीं बाद दे विच दुध ऐड करना हुंदा है। इस दे नाल ही असीं इस दे विच हल्दी पाउडर ते लाल मिर्च टेस्ट अनुसार मसाले दे विच पावांगे। फिर असीं मसाले नूं चंगी तरह तैयार होण तक जिहड़ा वेट करांगे। जिवें कि इस दा कलर थोड़ा डार्क हुंदा है, उस तों बाद दे विच असीं इस दे विच जिहड़ा घीआ सी नहीं कट के रख्या होया सी वो ऐड करांगे। एक घीआ जिहड़ा मैं पहला ही कट के रख लिया सीगा ते इह असीं हुण मसाले दे विच मिक्स कर लवांगे। इस तरह मसाले दे विच घीआ मिक्स करन तों बाद दे विच कुछ टाइम लई असीं इस नूं जिहड़ा उबालदे रहांगे। इत्थे असीं देखना कि घीए दे गलन लई जेकर पानी दी लोड़ है तां असीं उस दे विच थोड़ा पानी ऐड कर देवांगे। फिर सानूं वेट करनी है जदों तक घीआ पक नहीं जांदा। जिवें ही घीआ पक जांदा है तां असीं इस दे विच अद्धा ग्लास दुध दा ऐड करांगे। यह दुध मेरे कोल गर्म किया हुआ दुध सी जिस दे उपर मलाई आ गई सी, इस करके मैं मलाई नाल रखी है। जेकर तुहाडे कोल कच्चा दुध हैगा तां तुसीं उह अद्धा ग्लास दुध ऐड कर सकते हो। दुध जरूरी नहीं कि तुहाडे कोल कच्चा घर दा ही होना चाहिए, वेरका वाला दुध भी असीं इहदे विच ऐड कर सकते हाँ। इस तरह तुसीं देखो कि कितना सोहना कलर जिहड़ा हैगा सब्जी का तैयार बन आ गया है। तो इस तरह सब्जी तकरीबन तैयार हो गई है। सिर्फ हुण इहनूं असीं ने 2-3 मिनट लई गैस पर रखना है तां कि इहदी थोड़ी जी कंसिस्टेंसी जिहड़ी हैगी आ उह इस तरह की हो जाए कि असीं फुलके नाल इसनूं लै सकीए। तो यह हुण घीआ बन के तैयार है, बहुत टेस्टी बनता है, तुसीं भी ट्राई करना। थैंक यू।